वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हमारी कार्यकारिणी ने मुल्क के हालात पर गौर करने के बाद, तमाम चीजों पर गौर करने के बाद, मौजूदा हुकूमत के पिछले 5 साल के कारनामों पर नजर डालने के बाद और पिछली सरकार के 2012 से 2017 तक के तकरीबन 176 दंगे और तमाम चीजों पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगरचे हम भी एक पार्टी है लेकिन हमारे चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकतों को फायदा पहुंचने का अंदेशा था। इसलिए अपने प्रदेश की गुलाम महबूद के लिए, प्रदेश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाए रखने के लिए और अपने प्रदेश को गैर जिम्मेदार हाथों में जाने से बचाने के लिए इत्तेफाक राय से हमारी कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि इस बार इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IUC खुद चुनाव न लड़कर कांग्रेस पार्टी की हिमायत करेगी और बिना शर्त हमारी इनके लिए हिमायत है और उसकी वजह यह नहीं है कि हमें इनसे कोई खास लगाव है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कहूं कि कांग्रेस आज जिस मोड़ तक पहुंची है उसके लिए जिम्मेदारी हम ही रहे। कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस से नाराजगियां थी, हमने कांग्रेस के खिलाफ माहौल को बताया लेकिन कभी हम उसको कोई सही ऑप्शन, कोई सही रास्ता नहीं बता सके जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। तो हम कहीं ना कहीं देश में जो कुछ भी बर्बादियां हो रही है, जो कुछ भी बेचा जा रहा है, जो कुछ भी नुकसान हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं कि हमारी गलत नीति की वजह से ये गैर जिम्मेदार हाथों में हमारा देश चला गया है। तो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए आज ये फैसला लिया गया है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, दूसरी पार्टियों से भी मुलाकात की, सबसे बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आखिर में मैं छोटी बहन अपनी प्रियंका गांधी जी से मिला और उनसे मुलाकात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमने किसी भयानक गलती की है जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों को मैं काफी पहले से जानता भी हूं, साथ भी दिया है। 2009 में भी हमने इनकी हिमायत की थी और उस वक्त भी सरकार बनी थी लेकिन कुछ लोगों की गलत फहमियों की वजह से हमारी दूरी हुई। लेकिन दूरी के बावजूद इन लोगों के किरदार पर कभी शुबा नहीं किया जा सकता और मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये दोनों भाई बहन मोहतरम राहुल गांधी जी हो या मोहतरमा प्रियंका गांधी हो, इन दोनों भाई बहन को मैंने सच्चा से प्रतिष्ठ पाया है। बाकी दूसरे नेताओं की तरह, दूसरी पार्टियों की तरह धोखी नहीं पाया है। तो उनसे बातचीत में मैंने अखिलेश यादव के सामने भी एक अपनी मांग रखी थी कि मैं आपका समर्थन करूं तो 2012 से 2017 तक आपकी हुकूमत में जो न्याय साफी आई, जो दंगे फसाद हुए, आपको याद होगा कि अखलाक आप ही लोगों ने हम तक पहुंचाया था, अखलाक का कितना बड़ा हादसा हुआ आपको याद होगा। डिप्टी SP कुंडा में जिससे सरेआम मार डाला गया, दिन दहाड़े मार डाला गया और उसको इंसाफ नहीं मिला, मुआवजा इंसाफ नहीं होता है, जियाउल हक अंसारी, इस तरह के वाकयात मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैर जिम्मेदार हाथों में, और मैं ये समझता हूं कि अखिलेश यादव के हाथ गैर जिम्मेदार हाथ है, इन हाथों से हम अपने प्रदेश को किसी कीमत पर नहीं जाने देना चाहते क्योंकि हम अपने देश और अपने प्रदेश से मोहब्बत करते हैं।
जिम्मेदार शासन में हमने देखा है कांग्रेस ने किस तरह शासन किया है, किस तरह हुकूमत चलाई है, कांग्रेस को हुकूमत चलाने की सलाहियत दी है और संयमता भी है, संयमता भी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा प्रदेश जिम्मेदार ऐसे हाथों में जाना चाहिए जिससे देश महफूज रह सके, हमारे देश को बेचा ला जा सके। आज मैं देखता हूं, मैं बार बार ये बात कहता भी हूं आप लोगों को भी, आप लोगों से भी ये बात कही होगी कि हमारे मुल्क का पोता है बांग्लादेश, हिंदुस्तान से निकला पाकिस्तान, पाकिस्तान से पैदा हुआ बांग्लादेश, हमारे मुल्क का पोता है बांग्लादेश। छोटा सा मुल्क है, छोटी उम्र है उसकी, लेकिन उसकी भी अपनी एयरलाइन है, हमारी अपनी एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन ये तो छोड़ने का दिमाग पूरे देश को भरने की कोशिश कर रहे, इन्होंने अपने देश की एयरलाइन तक बेच डाली। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने मेरे देश का और खासतौर से हिंदू समाज का जितना नुकसान किया है, इतना नुकसान ना हमारे देश का हमारे दुश्मनों ने कभी किया, ना हमारे हिंदुस्तानियों के दुश्मनों ने कभी किया। इन लोगों ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आता है और वो रास्ता कांग्रेस का नजर आता है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिद्धि के साथ, पूरी सच्चाई के साथ बिना किसी शर्त के लिए फैसला किया है कि इस बार इत्तेहाद खुद चुनाव न लड़के कांग्रेस की जहां जहां जरूरत होगी, जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं कांग्रेस की हिमायत करने के लिए जाऊंगा। और सिर्फ 2022 नहीं, इंशाल्लाह 2024 भी हम जीत कर आएंगे। 2022 मैं ख्वाबों में रहने वाला आदमी नहीं हूं, जमीन पर रहता हूं और हकीकत पसंद आदमी हूं। हमारी हस्तलिखता ये कोशिश रहेगी कि किसी भी सूरत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मनहूस सरकार है, इसकी इसकी मनहूसियत पूरे हिंदुस्तान को झेलना पड़ रही है। रोज नई नई बीमारियां आ रही है, ये हमारे राजाओं की वजह से आ रही है। इन तमाम मनहूसियतों से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनने देती है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर कोई खतरनाक सरकार हो सकती है तो वो अखिलेश यादव की सरकार हो सकती है। हमारी हत्या इम्कान जो कोशिश रहेगी और पूरे हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले और अपने प्रदेश से प्यार करने वाले तमाम लोगों से मैं हाथ दस बचता यह दरख्वास्त करता हूं कि बहुत सोच समझ के फैसला करने का वक्त आया है। अगर अपने प्रदेश से सच्चा प्यार है तो यादव मार नहीं चाहिए, जाटव मार नहीं चाहिए, हमें मानववाद की राजनीति करनी है। और मानववाद की राजनीति हमने देखा है कि सिर्फ कांग्रेस करती है, करती रही है और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि मानववाद की ही राजनीति होगी। तो हत्या इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की सरकार बने और अगर किसी वजह से हम कहीं पीछे रह जाते हैं तो इसी रफ्तार जरूर करूंगा मैं कांग्रेस से, भारतीय अध्यक्ष जी से, कि गैर भाजपाई सरकार बनानी है, इसके लिए हमें किसी का समर्थन लेना पड़े या किसी को समर्थन देना पड़े तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए, हमें इन मनहूसों से अपने प्रदेश को पहले बचाना चाहिए। इसी के साथ मैंने अपना समर्थन पत्र अध्यक्ष जी को दे दिया है और जहां भी जरूरत होगी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाकी पांच जगह चुनाव हो रहे हैं, जहां भी जरूरत होगी इंशाल्लाह मैं हर जगह कोई सवाल बोल रहे हैं। पहले आप बोलिए, आजम भाई वो लेटर है आपके पास समर्थन? समर्थन तो वो सब मैंने बोल दिया, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिए और आपके सामने कर दिए, मंगा लेते हैं। अच्छा अच्छा ऐलान हो गया, वो समर्थन का पत्र भी आ जाएगा। माफ कीजिए एक जरूरी बात बताना भूल गया, मैंने अक्षेश यादव जी से भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो आज मौजूदा सरकार है असल में यही दंगाई है, ये जब सरकार से उतरेंगे तो ये दंगे फसाद की राजनीति करेंगे, आतंकवाद हमें अंदेशा है कि फिर फैलने का अंदेश होगा। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि
दीपावली के बाद इसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। मुकदमा प्रियंका गांधी जी से जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनके सामने इस आयोग का जिक्र किया कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए जिससे असल दंगाई को पकड़ने में आसानी हो सके, तो प्रियंका गांधी जी ने फौरन एक मिनट जाये किए बगैर अखिलेश यादव ने तो कहा कि दिवाली के बाद जवाब देंगे और आज तक रिमाइंड कराने के बावजूद उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी ने उसी वक्त फौरन मेरे सामने मेरी मौजूदगी में अपने मैनिफेस्टो वाले चेयरमैन साहब को वोट किया और उनको ये बात नोट कराई कि ये प्रदेश सरकार चलाने में बड़ा टूल साबित होगा, ये ऐसा एक आयोग बनाया जाना चाहिए। तो इन बातों ये ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मैं इनसे मुतासिर हुआ हूँ और इनके साथ खड़ा होने का मैंने हल किया है। कोई सवाल वगैरह? मेरा जो कुछ भी घोषणा पत्र है वो सब मैं आपको दे दूंगा उसको। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।